Now let us see question number 9 of exercise 6.2. In question, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at point O, then so that AO by BO is equal to CO by DO. तो देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है. हियर ABCD इज ए ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल DC. ये दिया है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि AB और CD पैरेलल हैं एंड डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O. AC और BD O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये दिया हुआ है. देन यू हैव टू सो दैट AO by BO इज इक्वल टू CO by DO, AO by BO इज इक्वल टू CO by DO, ये आपको दिखाना है. देखिए कंस्ट्रक्शन करना होगा. वी ड्रॉ EF पैरेलल टू DC पासिंग थ्रू O. EF जो है O से जरूर पास होना चाहिए, ठीक है, कहीं से दूसरी जगह से नहीं. तो EOF पैरेलल टू DC ये ड्रॉ करेंगे. नाउ कंसीडर ट्रायंगल ADC. देखिए ADC में EF DC के पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं EO पैरेलल टू DC. बाई BPT AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC, क्योंकि अगर पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करता है साइड्स को. तो वही हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल CD, देयरफॉर बाई BPT AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC. से इक्वेशन नंबर 1. हियर AB पैरेलल CD इट इज गिवन एंड EF पैरेलल CD बाई कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर AB पैरेलल EF पैरेलल CD तीनों पैरेलल हो जाएगा. अब हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABD में OEAB के पैरेलल हो जाएगा, तो बाई BPT AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई OD. यहाँ पे भी BPT लगा दिए, तो आप कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABD OE पैरेलल AB, देयरफॉर बाई BPT AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई OD. यहाँ देखिए AE बाई ED BO बाई OD के बराबर है, यहाँ AE बाई ED AO बाई OC के बराबर है. तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन से दैट AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD. यहाँ पे अल्टरनेंडो लगा दिए, OC को यहाँ लाए, BO को यहाँ लाए, तो AO बाई BO इज इक्वल टू OC बाई OD, हेंस प्रूव्ड. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at O such that AO by BO is equal to CO by DO, then so that ABCD is a trapezium. जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसी का उल्टा कर सकते हैं. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, 9 और 10 बोर्ड में कई बार पूछे हुए हैं. तो ABCD दिया हुआ है, एक quadrilateral है जिसमें diagonal AC और BD एक को दूसरे को O पे intersect करते हैं. It is given. Then AO by BO is equal to CO by DO. It is also given. Then you have to show that ABCD is a trapezium. आपको दिखाना है कि ABCD एक trapezium है. तो construction करेंगे. We draw OE parallel CD. OE CD के parallel draw किए. अब consider कर लिए triangle ADC में OE parallel to CD. Therefore by BPT AE by ED is equal to AO by OC. देखिए यहाँ पे in triangle ADC OE parallel CD है. तो बाई BPT AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC, AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC. BPT एकदम याद रहे आपको. अब AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO इट इज गिवन. इसको अगर आप इंटरचेंज किए तो AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि यहाँ भी AO बाई OC था उसी फॉर्म में हम बदल लिए. तो यहाँ देखिए AO बाई OC AE बाई ED के बराबर है, AO बाई OC BO बाई OD के बराबर है. तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन से दैट AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई DO. ये 1 एंड 2 से आया. तो AE बाई ED देखिए फिगर में AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई DO. तो कन्वर्स ऑफ BPT से OE पैरेलल टू AB, कन्वर्स ऑफ BPT से OE AB के पैरेलल हो जाएगा. वही लिखे बाई कन्वर्स ऑफ BPT OE पैरेलल टू AB, देयरफॉर एंड OE पैरेलल टू CD बाई कंस्ट्रक्शन. OE AB के पैरेलल है, OE CD के पैरेलल है, इसलिए OE AB और CD दोनों के पैरेलल हो गया, मतलब AB और CD पैरेलल हो गए. वी नो दैट ए क्वाड्रिलेटरल
with one pair of opposite side parallel is said to be trapezium. Therefore, ABCD is a trapezium. Now, let us see similarity criteria of triangles. Criteria of similarity of two triangles. पहला मान लेते हैं, पहला है AAA similarity criteria. Angle, तीनों angle. तो इसमें जो है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बाई AAA सिमिलरिटी से. तो यहाँ देखिए क्या कहता है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगे तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर का डिफिनेशन है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो. तो जैसे देखिए ए बी सी और डी ई एफ अगर दो ट्रायंगल हैं उसमें अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर अगर दिया हुआ है तो बाई ए ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर. देखिए सिमिलर का ये सिंबल है, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ. नाम एकदम सही से लिखना है, जैसे ए डी के बराबर है तो जहाँ ए होगा वहाँ डी, बी ई के बराबर जहाँ बी है वहाँ ई आना चाहिए, सी ई एफ के बराबर था जहाँ सी वहाँ एफ के एफ होना चाहिए. ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो इसमें सेम रेशियो में हो जाएंगे साइड्स ए बी बाई डी. जैसे देखिए यहाँ ए बी तो यहाँ भी डी, ए बी बाई डी इजक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ इजक्वल टू ये बी सी, यहाँ से लिए बी सी तो यहाँ ई एफ. ठीक है, तो ये आपका जो है सिमिलर होने पे है. तो ए ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया को हम ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल अगर एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा. तो इसलिए हम जो है ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया को ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी यूज करते हैं. सेकेंड सिमिलरिटी क्राइटेरिया है एस 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 साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया. इसमें देखिए क्या कहता है, इफ़ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. यहाँ पे दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो अगर सेम हो तो वो ट्रायंगल जो है सिमिलर होते. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी ई एफ अगर दो ट्रायंगल हैं, ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ अगर तीनों इक्वल हैं तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया. इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ जब सिमिलर हो जाएगा तो एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर और एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो. तो ये क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे अगर जो है तीनों साइड का रेशियो तीनों साइड के बराबर हो जाएंगे अगर दो ट्रायंगल के तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्वेश्चन बनाने में इसका यूज होगा. ये एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया है. जैसे कांग्रेंस में आप जो है तीनों साइड के इक्वल लेते थे, यहाँ इक्वल नहीं होगा, यहाँ साइड का रेशियो सेम होगा, इसको ध्यान देना है. नेक्स्ट है आपका एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया है. इन टू ट्रायंगल्स इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल डी ई एफ है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है ये दिया हुआ है और इसको इंक्लूड करने वाले साइड का रेशियो सेम है, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ है और एंगल ए एंगल डी के बराबर है. तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे. ये ध्यान रखना है कि इंक्लूडेड एंगल सेम होना चाहिए. यहाँ पे अगर जो है एंगल बी एंगल ई के बराबर है और ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ है तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एंगल बी और ई इंक्लूडेड एंगल नहीं है. ये जरूरी है कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए. तो इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया. तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्वेश्चन बनाने में यूज होंगे. अगर मान लीजिए ट्रायंगल दिया हुआ है
कि इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, केवल इतना कंडीशन दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, और इनके साइड का रेशियो भी प्रोपोर्शन में है, मींस ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ये केवल अगर ये सिमिलर दिया है तो ये इतने चीज़ें आपको मालूम है, क्वेश्चन बनाने में इसका यूज़ होगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार रखेंगे तब एक्सरसाइज बनाने में आसानी होगी। अगला एक्सरसाइज इसी पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।